धरो। Happy birthday to you. Happy birthday dear Tarun. Happy birthday to you. Happy birthday मम्मी। Thank you बेटा। चलो अभी चाय बना दो। हाँ, चाय गरम। अरे आज पापा ने मम्मी के लिए चाय बनाई है। जन्मदिन मुबारक हो, आरती ले ले। अब पति के भी पैर छू। जन्मदिन मुबारक। दक्षिणा दो, निकालो किसे में से कुछ। ए, चाय बनाइए ना, चाय पी लो। लो। अरे आप ये चाय पीने क्या बैठ गए, घर नहीं जाना है? 12 बजे से पहले आना नहीं, तुम्हारी महारानी का हुक्म है। अरे पर क्यों? तुम चाय पियो ना, चाय पियो तुम। चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी। धरा, अरे मेरी मम्मी गिर जाएगी। अरे क्या कर रही है? मैंने खाना बनाया था और बाबू को असिस्टेंट रखा था। अच्छा, अभी आप पापा की तरह पूछो कि खाने में क्या बना है। अरे पागल हो गए क्या? अरे मैं पूछो। मैं ऐसे नहीं पूछूंगी। अरे पूछना अरे? पड़ेगा, पूछो। अरे अरे पूछ, ऐसा मौका तुझे दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है मैं पूछती हूँ। आज खाने में क्या बना है? अरे अभी आप बताओ कि आपको खाने में क्या पसंद है। तेरे जैसे नहीं बेटा, मुझे खाने में सब कुछ अच्छा लगता है। अरे एक चीज तो आपको ज्यादा पसंद ही होगा ना, बताओ। अरे अरे बेटा मैंने कहा ना, मुझे खाने में सब अच्छा लगता है। सबको सब नहीं पसंद होता है, एक चीज होगी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, बताओ। अरे बेटा मैं सच कह रही हूँ, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। बस एक परवल की सब्जी, बाजरे की रोटी और मोगरी, इन तीन चीजों को छोड़कर मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। अरे धरा, वाह इसे क्या हो गया? अरे सरोज इसने यही सब कुछ बनाया है, बाजरे की रोटी और मोगरी और ये परवल की सब्जी। बेचारी सबसे कल से पूछ रही है मम्मी को क्या पसंद है, मम्मी को क्या पसंद है। किसी को कुछ पता नहीं था, फिर मुझे याद आया जब धरा तेरे पेट में थी तब तो हमेशा यही सब चीजें मांगती थी, तो मैंने उसको बोला बेटा यही बना। अरे माँ लेकिन वो टाइम पर ना सब कुछ अजीब अजीब सा होता है, इसलिए मुझे ये सब खाने का मन करता था, लेकिन मुझे भी अजीब लगता था क्योंकि उन दिनों के सिवा मैंने कभी इन चीजों को खाया तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। हे भगवान, सब मेरी ही गलती है, बेचारी सुबह से लगी पड़ी है यही सब कुछ बनाने में। ऐसे करती हूँ बाप, मैं अभी आती हूँ उससे बात करके। जा वे तू है, समझा उसे। धरा 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 बेटा, अरे धरा बेटा मैं तुझे उल्लू बना रही थी, सच्ची। पता है तेरे पापा ने ना मुझे मंदिर में सब कुछ बता दिया था कि तूने ये तीन चीजें बनाई है, बस इसलिए मैं तेरी किल्ली उड़ा रही थी। पता है मुझे तीनों चीजें बहुत पसंद है, सबसे फेवरेट है मेरी। हाँ हाँ, क्यों बताया आपने? मैं तो अरे आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। धन्यवाद भाई साहब, इसने आपको भी बता दिया। हाँ अच्छा है ना बताया, मिठाई खाने को मिलेगी। अरे मैं बोले से चू खाने खा लो पूरा। ये लीजिए। ये क्या है? आपका गिफ्ट। मतलब? फिल्म की टिकटें हैं, धरा ने मुझे बोला था लेने के लिए। अरे तो क्या आप देख रही है, पिक्चर का टाइम हो गया, जल्दी से निकलो तुम लोग। अरे लेकिन बा निकलो, मतलब आप नहीं आ रहे? नहीं मैं बिल्कुल नहीं आ रही। अरे ऐसे कैसे बा, अब धरा बोलना बा को आने के लिए। अरे मम्मी पहले टिकट तो देख लीजिए,
दो ही टिकट है, मैं भी नहीं आ रही हूँ। तू भी नहीं आ रही है मतलब? जैसे राजकोट में होता है ना, वैसे ही आप लोग यहाँ पे जाओगे फिल्म देखने। अरे पागल हो गई है क्या? हम अकेले ऐसे थोड़ी ना जा सकते। आप बोलिए ना, हम ऐसे अकेले थोड़ी जा सकते। मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ नहीं पता, ये आज के खेल की कैप्टन तो ये। अरे अरे भाभी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चे ऐसा कब सोचेंगे। बोलो, बच्चे एक्सचेंज करवाने हैं? ना भाई ना, मैं अपनी धरा किसी को ना दूं। तो सुन धरा, अब ये ब्रायन लारा का फोटो है ना, फटाफट काट, मेरे को चिपकाना है उसे। ब्रायन लारा को क्यों? हैं? क्यों मतलब? अरे वो हमारा दुश्मन है, परसों देखा था ना क्रिकेट मैच में, कैसे हमारे बॉलर्स को मार मार के उनका कचुंबर बना दिया। ए लल्लू, ऐसा नहीं बोलते, क्रिकेट में एक स्पिरिट होता है, सामने वाले को आउट करने की, हराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, और फिर भी वो अच्छा खेले और अपने को हराए ना, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट मतलब क्या होता है? अप्रिशिएट एटले ताली बजाने का, सीटी बजाने का, और वो सामने वाला सेंचुरी बनाएगा तो उसको शाबाशी देने का। हाँ, उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं, बहुत जरूरी होता है क्रिकेट में पण और जीवन में पण, समझे? हे धरा, मैं तुझे कुछ सुनाता हूँ। अरे हाँ, अरे अभी याद आया मुझे, तुमको मालूम है वेस्टइंडीज की टीम थी, मतलब अभी भी है, तो उसमें ना चार बड़े बड़े ऐसे बॉलर होते थे, लंबे लंबे ऐसे मोटे मोटे, ऐसे बॉलिंग डालते थे फास्ट, ऐसे बॉलिंग डालते थे फास्ट कि बैट्समैन खड़ा रहे, यॉर्कर डाले ना तो स्टंप टूट जाता था, और बाउंसर डाले तो सर फूट जाता था। लेकिन एक बैट्समैन उनके सामने टिक के खड़ा हुआ, मालूम है कौन? कौन? अपना सुनील। ऐसे मारता था उनके बॉलिंग को, अरे सेंचुरी पे सेंचुरी लगाई उसने। अब तुम मुझे बताओ, अभी ये लोग जो है ना वेस्टइंडीज के लोग जो देखने आते क्रिकेट, तो उनके लिए सुनील गावस्कर कौन था? उनका दुश्मन। फिर भी उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई और क्या किया? उसे अप्रिशिएट। अप्रिशिएट किया? अरे इतना अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट किया। मैं तुमको इसी बात पे गाना सुनाता हूँ। मेरे को पूरा याद नहीं पर सुनाता हूँ मैं। इधर रखी मैंने कैसे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।